अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम यहाँ पर EMF मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में यहाँ पर मौजूद हैं। 26 तारीख को मदीना फाउंडेशन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जानिब से एक मेगा फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है, लिहाजा हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर कमालुद्दीन और डॉक्टर तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से अभी मेगा कैंप रखने का आपने जो फैसला लिया है सर, उसके पीछे मकसद क्या है और उसकी खसूसियात क्या होंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर कमालुद्दीन, RMO ऑफ मदीना हॉस्पिटल। जो हमारा हॉस्पिटल है मदीना फाउंडेशन MF हॉस्पिटल, जो कि अशोक नगर में मौजूद है, हम हॉस्पिटल से करीब ये खोलकर एक साल हुआ है। जो 1 ईयर एनिवर्सरी के मौजूदगी में इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस 26 मई को, जो बरोज संडे को सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, एक मेगा फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है। इसमें तमाम मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटीज़ के लिए अवेलेबल किए हैं हम लोग, जैसे कि जनरल मेडिसिन में जनरल सर्जरीज़ है, गायनेक ऑब्स्टेट्रिक्स है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, और एज वेल एज एक्यूपंक्चर और हिजामा रखे हैं। प्लस इसमें आपको बीपी शुगर चेकअप करने के लिए और बोन डेंसिटी टेस्ट, यूरिक एसिड टेस्ट, ये सब फ्री टेस्ट भी आपको अवेलेबल हम लोग किए हुए हैं। तो हमारे एज पर हॉस्पिटल में जैसे हमारे वेल रिकग्नाइज्ड कंसल्टेंट्स मौजूद हैं बेलगाम के, जो वेल रिकग्नाइज्ड हैं, जनरल मेडिसिन डॉक्टर फरीदा बानो जैसे हैं, डॉक्टर जिया गुत्ती हैं, डॉक्टर प्रताप बुदिया हैं, ये भी मौजूद रहेंगे। जैसे ऑर्थोपेडिक्स में डॉक्टर संतोष मराड हैं, डॉक्टर समीर हावेरी सर हैं। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आप जानते हैं कि मदीना फाउंडेशन का जो MF मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेलगाम में शुरू होकर तकरीबन एक साल होने आया है, तो इस मौके पर फर्स्ट एनिवर्सरी के हिसाब से इन्होंने एक मेगा फ्री मेडिकल कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, जिसके अंदर फ्री डिपार्टमेंट ऑफ कंसल्टेशन, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक, ऑर्थोपेडिक, यूरोलॉजी, साइकेट्रिक काउंसलिंग, फिजियोथेरेपी सेशन और हिजामा और एक्यूपंक्चर के भी सेशन यहाँ पे मुफ्त दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आप इसमें फ्री चेकअप भी हैं, जैसा कि ब्लड प्रेशर फ्री यहाँ पे किया जाएगा, चेकअप किया जाएगा, शुगर फ्री चेकअप किया जाएगा, बोन डेंसिटी है, थायराइड टेस्ट है, यूरिक एसिड टेस्ट है, ये सब जो है बेलगाम के लोगों के लिए मदीना फाउंडेशन वालों ने यहाँ पे एक मेगा फ्री मेडिकल कैंप के ज़रिए से एक सहूलियत फराहम की है। और इसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत से डॉक्टर्स यहाँ पर आने वाले हैं, जिसमें फरीदा बानू हैं और डॉक्टर जिया गुत्ती हैं, डॉक्टर प्रताप बुढ़िया हैं, और जैसे पीडियाट्रिक में डॉक्टर संतोष मरद हैं, यूरोलॉजी में डॉक्टर नज़ीर मुल्ला साहब हैं। तो ऐसे जाने माने जो मशहूर डॉक्टर बेलगाम के हैं, ये सब अपने अपने जो है सर्विसेज यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप में देने वाले हैं। अब मेरा आप दोनों डॉक्टरों से एक सवाल है कि जिस तरह से आज की इस दौड़ धूप की दुनिया में लोगों के मसाइल बहुत हैं, उनके सामाजिक, सोशियो इकोनॉमिक जितने भी मसाइल हैं, इसी की वजह से लोगों में मर्ज आ जाते हैं, तरह तरह की बीमारियाँ आ जाती हैं। लोग बड़े अस्पताल को देख कर ऐसा सोचते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर फी बहुत ज़्यादा होगी, तो ये एक अफोर्डेबल इसमें लोगों के लिए क्या रहेगा, खासकर गरीबों के अंदर इस चीज़ का बड़ा एक फुकदान रहा है कि बड़े अस्पतालों को देखकर जाना लोग आगे पीछे हो जाते हैं, तो दरमियानी क्लास या निचले तबके के लिए मदीना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जानिब से क्या रहेगा? बस अब आपको याद रहेगा कि कोविड से पहले एक फ्लड आए थे, फ्लड में जो मदीना फाउंडेशन का काम था वहाँ से हमने शुरुआत की थी। उसके बाद हमने ये जाना कि लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा जो पीपल हैं, इनके पास जो ना पैसे नहीं रहते ज़्यादा और ट्रीटमेंट भी महंगे महंगे हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे मदीना फाउंडेशन के बोर्ड वालों ने ये कदम उठाया कि अब हमको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, जिसमें कम से कम पैसों में जो है ना हर एक ट्रीटमेंट हो सके, और एकदम लो सोशल इकोनॉमी स्टेटा के जो पीपल हैं उससे वो लोग भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम MF मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का यहाँ पे इनाकात किया, और एक साल के अंदर आपके सामने ये रिजल्ट्स मौजूद हैं कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट फ्लोर जो है पूरा गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इट इज़ डेडिकेटेड फॉर वीमेन, एक्सक्लूसिव फॉर गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, 10,000 में नॉर्मल डिलीवरी, 20,000 में सीजरियन सेक्शन वहाँ पे होता है। और यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में जो है कोई जनरल वार्ड का सिस्टम नहीं है, हर एक पेशेंट को जो है ना स्पेशल रूम ही दी जाती है, 10,000 में नॉर्मल डिलीवरी, 20,000 में सीजरियन सेक्शन, कमोबेश मेडिसिन का 2-3 हज़ार आप ऊपर पकड़ के चलो। तो बेलगाम के अंदर जो ना ऐसी सहूलियत मेरे ख्याल में कहीं पे भी नहीं है, जो हमारी क्लीनिनेस है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है,
आप यहाँ पे हॉस्पिटल में दे सकते हैं कि दो ओटी हैं, एक माइनर ओटी एक मेजर ओटी विद सीएम आप यहाँ पे मौजूद है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात होगी और मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ मदीना फाउंडेशन बोर्ड्स को कि उन्होंने इतना अच्छा एकदम यहाँ पर उठाया। हमारे जैसे हम लोग सेकेंड फ्लोर पे जैसे जनरल मेडिसिन जो हमारा डिपार्टमेंट है, हम लोगों ने सेपरेट ओटीज रखे हैं जिसमें ऑपरेशन करीबन हम एक साल के अरब 200 के करीब ऑपरेशंस हुए हैं, जिसमें मेजर हिप रिप्लेसमेंट, नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर्स वगैरह सर्जरीज मुकम्मल किए, हर्निया के बेशुमार सर्जरीज, अपेंडेक्टमी के ये सब बेशुमार सर्जरीज हुए हैं, नॉर्मल डिलीवरीज होते हैं, सीजरियन सेक्शंस हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हम लोग एक साल के अंदर में 200 सर्जरीज करीब करीब कर चुके हैं। तो इस और पर्दे के लिहाज से भी हमको इसको मद्देनजर रखते हुए सेपरेट रूम, सेपरेट फीमेल के लिए और डेडिकेट फीमेल स्टाफ वगैरह भी ये हम लोग मौजूद किया है, एकदम कम से कम अफोर्डेबल प्राइस में ये सब हम लोग का नाम है अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सर्जन और मारूफ डॉक्टर जनाब निखिल बलजकर साहब। सर, आपका सबसे पहले हमारे चैनल पर खैर मकदम इस्तकबाल। सर, आप जो यहाँ पर मदीना फाउंडेशन में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और परसों 26 तारीख को मेगा कैंप भी रखा गया है, फ्री मेगा कैंप, तो आप किस मतलब शुभ में माहिर हैं और आप क्या खिदमत अंजाम देते हैं सर प्लीज। तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर बलजेकर और मैं बेलगाम में और बॉम्बे में दोनों जगह ऑलमोस्ट 1986 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी जी तो 1986 टू 2014 में मेरा खुद का हॉस्पिटल चला रहा था अनगोल में। उसके बाद 2014 से 2021 मैं बॉम्बे में था, एक 100 बेड हॉस्पिटल का इंचार्ज था, मेडिकल डायरेक्टर और सर्जिकल डायरेक्टर था। फिर वापस मैं अभी पैंडेमिक के बाद वापस इधर सेटल हो गया हूँ और मदीना हॉस्पिटल में मैं कम से कम 5-6 महीने से आ रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बहुत सारे बड़े छोटे ऑपरेशंस किए हैं, तो मेरा जो स्पेशलिटी है वो सर्जरी है, मतलब शस्त्रक्रिया, और उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहते हैं, जैसे जनरल सर्जरी, कैंसर की सर्जरी, छोटे बच्चों की सर्जरी, यूरोलॉजी और लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी मीन्स दूरबीन से जो ऑपरेशंस होते हैं, ये सभी मैं करता हूँ और हमारे बाकी सर्जन्स भी हैं जो ये सब ऑपरेशंस करते हैं। तो हमारा उद्देश्य या हमारा इंटेंशन क्या है कि हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आपने तो देखा है ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा बना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा लोगों को मालूम होगा तो वो यहाँ आके अपना इलाज करवा सकते हैं। सिर्फ सर्जरी नहीं, इधर डिलीवरी भी होता है और मेडिकल का भी, आईसीयू का भी केसेस हम ट्रीट करते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ सर्जरी के हैं, लेकिन चार्जेस बहुत कम रखे हैं। ये ट्रस्ट हॉस्पिटल होने की वजह से जो आम हॉस्पिटल रहता है, प्राइवेट हॉस्पिटल रहता है, उससे बहुत कम है। तो और हम भी थोड़ा सा सेवा भाव समझ के थोड़ा हमारा भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल क्या है, विन विन सिचुएशन, अच्छे डॉक्टर्स भी है, अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और अफोर्डेबल रेट्स पे। मतलब मुझे तो पहले से ये मतलब मेरा पूरा जो 40 साल का करियर है उसमें मैंने कम से कम 50% तो या तो फ्री किया है या तो चैरिटी किया है सब जगह। तो बेसिकली मेरा ये है कि लोगों को कुछ गिरवी रख के लोन लेके ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जो भी उनके पास है उतने में होना चाहिए। मतलब इट शुड नॉट बी ए बर्डन, उसका वो जो एक बर्डन हो जाता है कि बीमार होने की वजह से फिर बेटी की शादी नहीं कर सकते या घर का किराया नहीं दे सकते, वो सिचुएशन नहीं होना चाहिए। बेसिकली ट्रीटमेंट जो है, जो अपने पास जितना पैसा है उसी में होना चाहिए, ये हमारा बेसिक इंटेंशन है। अच्छा नहीं लगता सर, लोगों में ये देखा जाता है कि अस्पताल अगर मरीज अगर बीमार भी पड़ता है तो आने वाले खर्चों को देकर वो और ज्यादा बीमार हो जाता है, करेक्ट। तो इसमें से जिस तरह से चैरिटी को लेकर, क्योंकि मदीना फाउंडेशन को सभी जानते हैं कि वो शुरुआत से खिदमत अंजाम देते रहे, बाढ़ के टाइम पे केरला तक जाकर के काम कर चुके हैं, करेक्ट। तो ये जो लोगों तक, एक लोगों के दिलों में जो डर है अस्पताल, यानी कि आप पूरा जमीन जायदाद बेचना है इस तरह का, तो करेक्ट। इस पर क्या कहिए वही तो मैं बता रहा हूं, हमारा वही इंटेंशन है, हमारा वही इरादा है कि ये सब नहीं होना चाहिए। वही तो हम बता रहे हैं कि हम तैयार हैं,
अगर पेशेंट इधर आके उन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया है कि जो खर्चे में हमने किया और काफी कॉम्प्लिकेटेड केसेस के सीरियस केसेस के उनको भी हमने कम रेट में ही किया, ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेट केस है करके उनको ज्यादा चार्ज लगाया है। द आइडिया इज कि हमको सेवा करना है। आपको अभी सिर्फ हमारे मदीना हॉस्पिटल का जो कैंप है उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो बेसिकली जो कॉमन ऑपरेशंस रहते हैं, जैसे किसी को हर्निया है, पेट का हर्निया है या नीचे का हर्निया है या अपेंडिक्स का तकलीफ है या पाइल्स का तकलीफ है, पाइल्स मतलब बवासीर का तकलीफ है, तो ये जो कॉमन तकलीफ है हमने इसके लिए रखा है चार्जेस एक 13,000 में पूरा करने का। और मेरे को बोला गया था कि पाइल्स के बारे में मैं कुछ ज़्यादा बताऊं, तो बवासीर यानी पाइल्स जो रहता है आजकल बहुत फैशनेबल हो गया है कि हम लेज़र से करते हैं, हम खतना जो है वो कुछ ऐसा क्लैंप लगा के करते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा साधा ओपन सर्जरी से 15 मिनट में हम करके आपको उसी दिन घर भेज सकते हैं, 10 दिन के बाद आपको आने की भी ज़रूरत नहीं। ओके, वो खतना हो या पाइल्स हो या अपेंडिक्स हो, 2 दिन में हम घर भेज सकते हैं। इसमें सर्जन के फीस, बेहोश करने वाले डॉक्टर की फीस और हॉस्पिटल के चार्जेस सब मिला के 13,000 है। नहीं, मेरा एक तजुर्बे से मैंने एक मेरा खुद का मेथड चालू किया है जिसमें कोई लाइगेशन बेसिन नहीं, बवासीर को पूरा निकाला जाता है और कोई जख्म नहीं रहती और 15 मिनट में मैं करता हूँ। बाज वक्त ये भी कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद भी कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बराबर नहीं होता है वो। अगर ये लाइगेशन किया आपने नहीं निकाला और दूसरा कुछ मेथड यूज किया सिर्फ ब्लीडिंग बंद करने के लिए, तो पाइल्स तो उधर ही है। पाइल्स क्या है? खून की गांठ है जी। अगर आपने उधर ही छोड़ दी तो बाद में वापस हो सकती है, उसको निकालना जरूरी है, इसलिए उसको हीमोरॉयडेक्टमी बोलते हैं, मतलब पाइल्स निकालने का ऑपरेशन। अगर आप पाइल्स नहीं निकालेंगे और किसी तरह से उसका ट्रीटमेंट करेंगे, इंजेक्शन देंगे, बैंड लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो वापस होने का चांस है, इंक्लूडिंग स्टेपलिंग करेंगे या लेजर से करेंगे। किससे आप करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बेसिक प्रिंसिपल करना चाहिए। अगर आप प्रिंसिपल है ऑपरेशन का कि जो प्रॉब्लम है उसको निकाल दो, अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है निकाल दो, पित्त का पिशवी में खड़ा है और पित्त का पिशवी खराब हो गया निकाल दो, कैंसर की गांठ है निकाल दो, अगर उसमें आप बराबर नहीं निकालेंगे तो वो वापिस होगा, फिर आप लेजर यूज करो या कुछ भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली ऑपरेशन करने वाला जो आदमी है उसको समझना चाहिए कि ऑपरेशन का आप क्या कर रहे हो, मतलब किस लिए ऑपरेशन कर रहे हो। बवासीर है निकाल दो, अपेंडिक्स से निकाल दो, आप आधा निकालेंगे आधा छोड़ेंगे, लेजर से करो कुछ से करो वो वापस होने वाला है। अगर आप गॉल ब्लैडर नहीं निकालेंगे बराबर से, गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो वक्ती तौर पर वही दब जाता है, फिर बाद में ऑब्वियसली ना, ऑब्वियसली। तो बेसिक थिंग इज जो भी आप करते हो उसको कंप्लीट करना है, पूरा करना है, फिर आप किसी से भी करो। अब मैं ओपन ऑपरेशन भी करता हूँ, लेजर जैसे ही लेजर जैसे इफेक्ट आता है, खर्चा अगर लेजर का 1,00,000 है तो मेरा 15,000-20,000 में हो जाता है। अभी इधर तो 13,000 में हो रहा है, लेकिन अगर मैं बाहर भी करूं मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मैक्सिमम 25-30,000 में हो जाएगा। लेजर से करने जाएंगे तो उसका खर्चा, लेजर का जो टिप है वही 40,000 का आता है और वो खराब होता है 2-3 ऑपरेशन की बात, उसका खर्चा मशीन 19-20 लाख का आता है, 30 लाख का मशीन रहता है, तो वो सब यूज करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। वो अभी क्या है किसी को अट्रैक्ट करने के लिए सब बोलते हैं कि हम लेजर से करते हैं, इससे करते हैं, उससे कम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छे से ऑपरेशन करेंगे तो आप वैसा ही रिजल्ट दे सकते हैं एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। ये मेरा तजुर्बा है, मैं कर चुका हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि मैं करने जा रहा हूँ, नहीं मैं हाँ 40 साल से करते आ रहा हूँ और हजारों मतलब मेरे को लगता है मैंने 20-25 हजार से ज्यादा ऑपरेशन किए और सब जगह किए, इंडिया में किए, अफ्रीका में किए, यूके में किए, इसराइल में किए, इंडिया में बॉम्बे में किए, बेलगांव में किए, छोटे गांव में किए, बेलगांव में भी 3-4 हॉस्पिटल में किए, मतलब हर एक सिचुएशन में किए, ऐसे नहीं कि एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में किया। मेरे को कुछ नहीं मिलता है तो मैं चला लेता हूँ। कोई भी जो ऑपरेशन है, बवासीर हो, फिशर हो, फिस्टुला हो,
संडास की जगह पे पस भरा हो, वो पूरा नॉर्मल ओपन ऑपरेशन से 15 या 20 मिनट का कोई भी ऑपरेशन होता है, और वो भी सब 13,000 के अंदर।